किसान भाइयों राम राम। 111 परमल की वैरायटी है ये। इसमें एक ना दिक्कत आई हुई है, किसान भाइयों से अनुरोध है कि किसी भाई को जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें ना बूटे सूख रहे हैं। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो कैसे हो रहे हैं। तो आप ना कृपया करके इसमें भी आगे वाले बूटे में आ रही दिक्कत थोड़ी बहुत, ऐसे आपको मैं ना और भी बूटे दिखाता हूँ। ये देखिए हरा भरा बूटा है आसपास है, और ये देखो इसमें लगभग होने वाला है दिक्कत, सूखने लग रहे हैं। पानी भी ठीक ठाक है, बढ़िया है पानी भी, लेकिन काफ़ी बूटे आ रहे हैं इसमें। आपको मैं और भी दिखाता हूँ बूटे। ये देखिए ऐसे बूटे होते हैं, ये देखो। और किसी भाई ने मेरे को बोला था कि पानी को एक बार ना रोक दे, तो मैंने पानी इसमें रोक दिया है। 3-4 दिनों के पानी इसमें दिया ही नहीं, ऐसे हो रहे हैं। ये देखिए ये देखिए। तो आप भाइयों से अनुरोध है कि किसी भाई को कोई जानकारी है तो ज़रूर बताएं। इसको उखाड़ के देखते हैं तो ये देखो ऐसा होता है, नीचे से जड़ गलन है, पता नहीं क्या है। मैंने ना जोना धान अब की बार ना पहली बार बिजाई की, मेरे को भाई इसकी ना जानकारी नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं इसमें कौन सी दवाई डालें, और कोई सुझाव है तो आप मुझे प्लीज़ जानकारी दें। ये देखिए पराली हो रही है सबकी, और इसमें मैंने काटा भी डाल दी, फुटेरा भी डाल दी, फंगीसाइड भी डाल दिया, और ताज भी डाल दी, और जाइम भी डाल दी। स्प्रे कर रहा हूँ अब जाइम की मैं, कल देखते हैं उसका क्या रिजल्ट है। तो भाइयों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट में कोई जानकारी हो तो बताएं। धन्यवाद आपका।